नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम अहम जानकारियां पहुंचाते हैं आप तक, जो कि संबंधित होती हैं खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र से। आज भी इसी कड़ी में हम हमारा एक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तीनों सेगमेंट्स रहेंगे हमारे, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी सेगमेंट में आज बात होगी हरी खाद उगाकर खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता किस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ धान की फसल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। शुरुआत में ही किन बातों का ध्यान रखना है, विशेषज्ञों की सलाह भी हम हासिल करेंगे और अगले दिन आपको बताएंगे बुआई से लेकर रोपाई तक के बारे में। लेकिन आज बात होगी धान की फसल से पहले कैसे उगाएं हरी खाद। गेहूं फसल की कटाई और धान की रोपाई से पहले किसान खाली पड़े खेतों का सही इस्तेमाल हरी खाद उगा कर कर सकते हैं। हरी खाद से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, साथ ही कम समय में तैयार होने वाली फसल उगाकर अतिरिक्त मुनाफा भी कमाया जा सकता है। इस समय खाली पड़े खेत में किसान कौन कौन सी हरी खादें उगा सकते हैं, जानते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसान भाइयों को धान की खेती के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। आपके जो खेत हैं उनमें गेहूं की फसल कट चुकी है या कोई दूसरी भी फसल है और खेत यदि आपका खाली है और आपके पास समय है तो आप हरी खाद अवश्य लीजिए। इसके लिए आप ढेंचा की बिजाई कर सकते हैं और आप ढेंचा की बिजाई भी एक पहले से तय करके कीजिए। ऐसे नहीं कि जब भी आपको बीज मिल गया और आपने डाल दिया और फिर जब आपने धान लगाना है लगा दिया, नहीं, उससे आपका नुकसान होता है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे हरी खाद से वो पूरे के पूरे नहीं मिल पाते। एक हम प्लानिंग करके करते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि किसान को व्यापारी बनना चाहिए, मतलब हर चीज़ के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो हमारे देश के किसान भाई भी यदि प्लानिंग करके कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। उसके लिए आवश्यक है जिस खेत में आपको धान लगाना है उससे 45 दिन पहले आप ढेंचे की बिजाई कीजिए, क्योंकि 40 से 45 दिन की उम्र का ढेंचा हरी खाद के लिए सबसे अच्छा होता है। इसके साथ ढेंचा के अलावा आप सनई भी ले सकते हैं और आप मूंग की फसल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप मूंग की बिजाई कीजिए और बारिश थोड़ी सी लेट होती है तो आप मूंग की फली भी तोड़ सकते हैं और हरी खाद भी ले सकते हैं, तो एक साथ आपका दोहरा काम हो जाएगा और फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। हरी खाद जब आपने फसल ली है तो जब आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे उससे एक दिन पहले उसमें आप खेत में पानी भरिए और उसमें रोटावेटर चला दीजिए, क्योंकि कई बार हमारे किसान भाई हरी खाद को पलटने के लिए 4-5 बार ट्रैक्टर चलाते हैं जिसमें डीजल में बहुत ज़्यादा व्यय होता है, तो वो सारा व्यय आप बचा सकते हैं और अपनी उस खर्चे को आप अपनी इनकम में जोड़ सकते हैं। और सीधे यदि आप रोटावेटर से उसको पलटते हैं उसके साथ ही आपकी पडलिंग भी हो जाती है, मतलब आपका खेत कद्दू भी हो जाता है, तैयार हो जाता है और उसके बाद आप उसमें धान की रोपाई कर सकते हैं। इस तरह से किसान खाली खेत का सही इस्तेमाल करके धान की फसल के लिए तैयारी कर ले। चलिए अब बात करते हैं धान की खेती की। खेत में तैयार होने वाली फसल बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। बीज जितना अच्छा होगा फसल भी उतनी बेहतर तैयार होगी। तो बीज कहाँ से लें और किन बातों का विशेष ध्यान रखें, जानते हैं विशेषज्ञ से। हम खेती करने जा रहे हैं तो हमें अभी से ये तय करना है कि अच्छी गुणवत्ता का बीज हमारे पास होगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बीज की समस्या कई बार हो जाती है, कई बार किसानों को अच्छा बीज नहीं मिलता जिसकी वजह से उनकी फसल बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना आय नहीं दे पाती जितना देना चाहिए। तो बीज खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे प्रमाणित बीज ही आपको खरीदना है। संभव हो सके तो आप जो प्रमुख संस्थान हैं हमारे वहाँ से लीजिए, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में है, यहाँ से आप बासमती और दूसरी प्रजातियों के बीज ले सकते हैं। इसके अलावा बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान मोदीपुरम मेरठ से भी बासमती की प्रजातियों के बीज आपके लिए उपलब्ध हैं। और आप जो कृषि विश्वविद्यालय हैं आपके क्षेत्र में उन कृषि विश्वविद्यालयों से आप बीज लीजिए। यदि आपको बाज़ार से बीज लेना है तो सील बंद थैला लेना है, प्रमाणित बीज लेना है। प्रमाणित बीज की पहचान यह है कि उसके ऊपर लिखा भी होता है और यदि नहीं भी आप पढ़ना जानते हैं
आप खेत बाजार में गए हैं, आपको पढ़ना नहीं आता, तो उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, टैग, जो नीले रंग का यदि लेबल है तो वो प्रमाणित है, यदि वो सफ़ेद रंग का लेबल है तो वो आधारीय है, गोल्डन कलर का है तो वो ब्रीडर है। तो बीज में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि कोई भी आसानी से समझ सके। खुला हुआ बीज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार उसमें दूसरी प्रजाति के बीज गिरने की संभावना होती है और फसल का फिर हमें नुकसान होता है, बाजार में पूरा भाव नहीं मिलता। किसान बीज की बुआई करने से पहले एक और बात का ख्याल रखे कि बुआई से पहले खराब बीजों को अलग कर दे। किसान कैसे पहचाने कि कौन से बीज बेकार है, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ एक छोटी सी तरकीब बता रहे हैं, आइए जानते हैं। बीज यदि आपने ले लिया, अच्छा बीज लिया, उसको भी आप जब लेके आते हैं और जब नर्सरी में बोने के लिए जाएंगे, तो बोने से पहले ये तय करें कि आपकी नर्सरी के अंदर एक भी दाना कमज़ोर ना जाए, खराब ना जाए, बीमारी ग्रस्त ना जाए। और उसका तरीका बहुत आसान है, आप एक टब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, या जो भी बर्तन आपके पास उपलब्ध है वो लीजिए, उसमें आप पानी भरिए और बीज का थैला खोलकर धीरे धीरे उस बीज को उस पानी के अंदर गिराइए। ऐसा करने से क्या होगा, कुछ बीज देखेंगे आप तली में, नीचे बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, और कुछ होंगे जो ऊपर तैरने लगते हैं। जो ऊपर तैर रहे हैं वो हल्के दाने हैं, वो कमज़ोर हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं है। जो तली में बैठे हैं वो पहलवान हैं, मजबूत हैं, ताकतवर हैं। तो ऊपर वाले जितने भी जो तैर रहे हैं दाने, उनको आप निकाल के बाहर कर दीजिए, उसको आपने नर्सरी में नहीं ले जाना है। नर्सरी में सिर्फ जो तली में बैठे हुए हैं उन्हीं को ले जाना है। और यदि आप इसमें थोड़ा सा काम और कर सकें, जब आप पानी भरते हैं उसमें आप थोड़ा सा नमक और मिला दीजिए, ऐसा करने से पानी की ग्रेविटी बढ़ जाती है और जो हल्के बीज हैं, जो हल्के जरा सा भी उसमें कमी है तो वो भी ऊपर तैरने लगेगा, और आपकी नर्सरी के अंदर एक एक दाना मजबूत, पहलवान, बढ़िया जाएगा, जिससे कि वो अच्छी फसल आपके लिए तैयार होगी। तो इन बातों का आपने नर्सरी में बीज को बोने से पहले बहुत ध्यान रखना है। प्रमाणित बीज का ही आपने प्रयोग करना है और उसका बीज का उपचार करके बोना है। बीज उपचार के बिना कभी भी बीज को नहीं बोना चाहिए। बीज उपचार करने का तरीका बहुत आसान है, आप 10 लीटर पानी में 10 किलो बीज लीजिए और उसमें 10 ग्राम कार्बेंडाजिम मिला दीजिए। यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं, रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आप इसको 24 घंटे के लिए भिगोते हैं, उसके बाद 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 5 ग्राम सीडोमोनास प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उस बीज में मिला दीजिए। इस प्रकार आपका बीज जो है वो उपचारित हो जाएगा और फिर आप नर्सरी में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से कुछ उपाय अपनाकर धान की अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं और बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मजाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? पता नहीं, तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे भेड़ पालन के बारे में। भेड़ पालन यूं तो आप करते ही होंगे, लेकिन समय समय पर अगर आप वैज्ञानिकों की सलाह ले लें, उनके संपर्क में रहें, तो ये आपके लिए काफ़ी मुनाफेदार साबित हो सकता है। और अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया आपको अपनानी है, आइए इन तमाम बातों के बारे में जानकारी देते हैं आपको हमारे सेगमेंट के जरिए। हमारे देश में भेड़ पालन बेहद सरल और कम खर्च वाला पशुपालन माना जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो इन्हें सिर्फ चराई पर पाल सकते हैं, वहीं मैदानी क्षेत्रों में खेत में फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों पर। लेकिन इनसे भरपूर मुनाफा कमाना है तो इनके खान पान में थोड़ा बदलाव जरूरी है, लेकिन ये बदलाव भी स्थान विशेष की नस्ल के हिसाब से करें।
आमतौर पर भारत में उपयोग के हिसाब से पाली जाने वाली भेड़ें इस प्रकार हैं। मांस के लिए पाली जाने वाली भेड़ें मालपुरा, मेरिनो, कोरिडायल, रामबुले, नाली, छोटा नागपुरी और बीकानेरी। ऊन के लिए पाली जाने वाली भेड़ें मालपुरा, जैसलमेरी, मारवाड़ी, छोटा नागपुरी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी नस्लें मुख्य हैं, जानते हैं विशेषज्ञ से। देखिए, भेड़ पालन हमारे देश में ज़्यादातर जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, जैसे अगर हम ऊपर की साइड चले जाएँ तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख, इस साइड भेड़ पालन ज़्यादा किया जाता है। लेकिन हमने देखा कि बीते वर्षों में भेड़ के बारे में हमारे जो किसान भाई हैं वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि जो वूल प्रोडक्शन हो रही है हमारे देश में, वूल प्रोडक्शन अभी थोड़ी कम है और इसको और बढ़ाने की कोशिश हमारी सरकार द्वारा भी और हमारे किसान भाई हैं वो भी इसको और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि वूल एक ऐसी चीज़ है जिसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा वूल प्रोड्यूस होगी हमारे किसान भाइयों को भी उतना ही फ़ायदा होगा और हमारे देश को भी उतना ही इससे फ़ायदा होगा। अब मैं इसमें बात करूं कि भेड़ ज़्यादा कहाँ पे है, तो ज़्यादा ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जो अपर हिमालयाज़ हैं, जो हिमालयाज़ के बेल्ट हैं, वहाँ पे ज़्यादा है, ठंडे क्लाइमेट में ज़्यादा भेड़ देखी जाती हैं। और ये मेनली भेड़ जो है ये हमारे जो पास्टोरलिस्ट, हमारे जो गुज्जर बकरवाल भाई हैं जो भेड़ों को लेके ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, मौसम के अकॉर्डिंग ये मूव करते हैं, वो ज़्यादा भेड़ को रखते हैं। और उनका ये होता है कि वो नेचुरल फीड और मौसम पे डिपेंड करते हैं, जबकि जब सर्दियां बहुत पड़ती हैं तो वो नीचे वाली साइड आ जाते हैं और जब गर्मी अब जैसे आना शुरू हो गई है तो वो ऊपर वाली साइड चले जाते हैं, वहाँ पे उनको अच्छा आहार और आवास ऊपर की साइड मिलता है और वो खुले में अपनी भेड़ों को छोड़ देते हैं जो वहाँ पे खाती हैं, और ऊपर जाके ही वो उनका फीडिंग और उनका जो बच्चा होता है वो भी ऊपर जाके ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम अच्छी फीड और अच्छा मौसम होता है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि नस्लें कौन सी हैं। देखिए, चनथंगी, चेगू, ये नस्लें आपको ऊपर वाली साइड, पुंछी, ये साइड, उस साइड आपको ये नस्लें ज़्यादा देखने को मिलेंगी और इनसे अच्छी वूल भी मिलती है, जिससे आपने देखा एक पश्मीना हमारी ब्रीड है वो बड़ी अच्छी उसकी वूल है और वर्ल्ड में वो नोन है और बहुत महंगी पश्मीना वूल हमारी बिकती है। भेड़ों में बीमारियों की बात करें तो इनमें ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती हैं, लेकिन नुकसान से बचने और पशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। हमारे देश में अगर युवा वर्ग इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सरकार नए पशु फार्म के लिए करीब 50 लाख तक की सब्सिडी देती है, लेकिन ये लाभ कैसे मिलेगा, आइए जानते हैं विशेषज्ञ से। भेड़ों में हमारे जो केंद्रीय सरकार है उनके द्वारा फार्म लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जा रही है, 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है शीप फार्म के लिए नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अंतर्गत। और अगर आपने इसमें अप्लाई करना है तो आप www.udyamimitra.com इस साइट पर जाएं, उद्यमी मित्रा पे, वहाँ पे जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बना के देना पड़ेगा कि आपको कितनी भेड़ रखनी है और कितना बड़ा फार्म आपको लगाना है, और उसके अंतर्गत 50 लाख तक की सब्सिडी आपको इसमें आराम से मिल सकती है। व्यवसाय या कृषि की सफलता सही जानकारी में छुपी होती है और इसके लिए व्यवसाय शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूरी है। युवा कहाँ से ले सकते हैं भेड़ पालन का प्रशिक्षण, जानते हैं। भेड़ों में और कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसका भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, मुखर रोग जो भेड़ों में भी देखा जाता है, तो इसका खासकर ध्यान रखिए और टीकाकरण करा लीजिए, क्योंकि अगर एक भेड़ को हो जाएगा तो ये आपके पूरे फ्लॉक को ख़त्म कर देगा, तो टीकाकरण कराना मुखर रोग का बहुत ज़रूरी है इस टाइम। इस तरह कम खर्चे पर इस व्यवसाय को शुरू किया जा सकता है। भेड़ पालन कम व्यय पर ज़्यादा मुनाफा देने में सक्षम है, साथ ही ये व्यवसाय भूमिहीन या छोटे किसानों के लिए अतिरिक्त आय का बेहतर विकल्प है। युवा वर्ग सरकारी मदद लेकर इसे आसानी से शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो वर्तमान समय में इस बढ़ती हुई गर्मी में किस प्रकार आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। अधिक गर्मी से पशुओं में लू लगना, जल एवं लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पशुओं को धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी में पशुओं को छायादार स्थान पर रखें एवं पानी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखें। पशुओं में लवणों की कमी नहीं होने पाए इसके लिए लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दें या पानी में मिलाकर दें।
दुग्ध उत्पादन क्षमता बनी रहे इसके लिए पशु को संतुलित आहार दें। पशुओं के आहार में गेहूं का चोकर और जौ की मात्रा बढ़ाएं। इस माह में भेड़ के ऊन कतरने का काम कर लें। इसके साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारे कामयाब किसान से मुलाकात करने का, जिन्होंने अपनी अलग सोच, अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और खेती किसानी के क्षेत्र में थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव के लिए अपना अहम योगदान दिया है। आइए मुलाकात करते हैं हमारे आज के कामयाब किसान से। मखाना हमारे यहाँ सेहत के लिहाज से भी बेहतर माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व भी है, इसीलिए मखाना हर घर में मिल जाएगा। जब इसकी पैदावार की बात आती है तो एक राज्य का नाम सबसे ऊपर है और वो है बिहार। उत्तरी बिहार के दरभंगा और मधुबनी जैसे जिलों में मखाने की खेती की जाती है। एक अनुमान के मुताबिक देश की कुल खपत का करीब 90% मखाना यहीं पैदा किया जाता है। हजारों परिवार इसकी खेती और प्रसंस्करण से जुड़े हुए हैं। जलीय कृषि होने की वजह से मछुआरा समुदाय के लोग ही इससे ज्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं। बिहार में करीब 13,000 हेक्टेयर पर 25,000 टन के आसपास मखाना उगाया जाता है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपए बैठता है। लेकिन एक सच ये भी है कि 2001-2002 से पहले बिहार में 20,000 हेक्टेयर पर मखाने की खेती होती थी। बिहार में मखाने की उपज घटने के बाद दूसरे राज्यों में इसकी खेती पहले से कुछ बढ़ गई है, इसीलिए सरकार अब इस ओर ठोस कदम उठा रही है। बिहार में तो इसकी खेती के प्रोत्साहन के लिए बाकायदा अनुसंधान केंद्र है, जो इससे जुड़े किसानों को समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। मखाना को प्रसंस्करित कर इससे मखाना स्नैक्स, मखाना खीर मिक्स और मखाना फ्लेक्स वगैरह बनाए जाते हैं। फसल लेने के बाद मखाने को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसका प्रसंस्करण कर लेना चाहिए। इसका प्रसंस्करण बहुत ही मुश्किल और मेहनत से भरा होता है। आइए जानते हैं इसकी प्रक्रिया के बारे में। फसल तैयार होने के बाद उसे डुबकी लगाकर हाथों से बाहर निकालते हैं। मखाने के दानों को पैरों से कुचलकर साफ करते हैं। धूप में सुखाने के बाद मखाने आकार के अनुसार बीजों की ग्रेडिंग कर लें। बीजों में 21% नमी रहने तक पहली बुनाई कर लें। फिर इसे 40-60 घंटे कमरे के तापमान पर छाया में रखें और उसके बाद दूसरी बुनाई करें। बुनाई के तुरंत बाद लकड़ी के चपटे औजार से कूटकर इसका काला छिलका उतार दें। छिलके के अंदर से सफेद रंग का मखाना बाहर आ जाएगा। फिर से उसकी ग्रेडिंग करें और पॉलिश वगैरह करके पैक कर लें। अब मखाना बाजार में जाने के लिए तैयार है। बाजार में बढ़ती इसकी मांग को देखकर युवा वर्ग नौकरी छोड़कर इस व्यवसाय को फिर से अपना रहे हैं, जिससे किसानों को भी अपनी फसल बेचने के लिए प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमारे आज के कामयाब उद्यमी भी कुछ ऐसे ही हैं, जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर की नौकरी छोड़ दो दोस्तों के साथ मिलकर अपना एक उद्यम शुरू किया, जिसमें वो मखाने को अलग अलग स्वाद में पेश कर रहे हैं। हमारी एक टीम है जिसमें मैं, मेरे साथ भरत जी हैं और मेरी पत्नी रुचि मंडल हैं। वी आर ए ग्रुप ऑफ टेक्नोक्रेट्स। मैं बेसिकली फूड इंजीनियर किया हूँ और मैंने MBA किया और कॉर्पोरेट में मेरे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ मेरे भरत हैं, इनका भी कॉर्पोरेट में काफ़ी अच्छा लंबा एक्सपीरियंस है। ये ICICI में बैंक में फाइनेंस देखते थे। मेरे साथ रुचि मंडल हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, वो भी कॉर्पोरेट में जॉब करती थी। हम तीनों ने जॉब क्विट करके ये स्टार्टअप लिया सुमित्रा फूड्स के नाम से, और मखाना और मखाना से रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को हम लोग ग्लोबली एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा ड्रीम है कि हम अपने बिहार के जितने भी सुपर फूड हैं उसको वर्ल्ड के हर एक प्लेट में
एक प्लेस दे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ा वर्ग किसान का है जो दरभंगा और मधुबनी से स्पेशली बिलोंग करता है। ये सारे किसान जो हैं एक खास समुदाय से आते हैं जो कि मखाने से संबंधित हैं, और हम सब मिल करके मखाने को एक नई पहचान देने में लगे हैं। पिछले 3 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 3 सालों में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है ये स्टार्टअप, और आज हम लगभग 10-12 राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है काम करने में। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव जो है वो बहुत सारी अच्छी इनिशिएटिव है जो हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को उत्साहित करती है, और गवर्नमेंट का हमें काफ़ी योगदान मिला है, काफ़ी मार्गदर्शन मिला है। आज जो स्टॉल देख रहे हैं ये स्टॉल भी हमें एपिडा की तरफ से मिला है, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब पहचान साबित हो सकता है। ये मार्केटिंग का एक इतना अच्छा प्लेस है जिससे हम लोग ग्लोबली हम अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हैं। मखाने की बढ़ती मांग ने किसानों के सामने कई विकल्प खोल दिए हैं। आज किसान और युवा वर्ग सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने व्यवसाय को ग्लोबल बना रहे हैं। ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होंगी। एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें, दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देखकर तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था उसे खाली हाथ लौट आया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। ओडिसी नृत्य शैली भारत की प्राचीनतम नृत्य शैलियों में से एक है। नाट्य शास्त्र व शिल्प शास्त्र के नियमों का समुचित समायोजन एवं त्रिभंग की छटा इस नृत्य को विशिष्ट एवं दर्शनीय बनाती है। वाणी माधव ने अपने ओडिसी नृत्य द्वारा भारत ही नहीं वरन विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका उत्कृष्ट नृत्य संयोजन, ओडिसी नृत्य की सुंदर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन दर्शकों को भाव विभोर कर देता है। वाणी माधव प्रकृति के बहुत करीब हैं। प्रकृति उन्हें अपने नृत्य में नित नए प्रयोग करने हेतु प्रेरित करती है। उनका यह मानना है कि उत्कृष्ट सृजन के लिए आंतरिक संतुलन परम आवश्यक है, इसीलिए वे अपनी दिनचर्या में नियमित रियाज के साथ योग एवं प्राणायाम को भी प्राथमिकता देती हैं, और यही संपूर्ण शिक्षा वे अपने शिष्यों को भी प्रदान कर रही हैं। ऐसी प्रतिभा की धनी वाणी माधव के साथ आरंभ कर रहे हैं नृत्यशाला। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे, संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार,
आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, पांच सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, पांच दशक का साथी, पांच दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने, जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार, बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श शनिवार रात 10:00। किन फसलों में हुआ चढ़ाव, किन के उतरे मंडी भाव, कहां पे गेहूं सरसों चमकी, किस मंडी में अरहर लुढ़की, हल्दी धनिया तेज बिके हैं या फिर भाव रुके रुके हैं, आगे किसका भाव बढ़ेगा, किन फसलों का दाम घटेगा, ये सब जानने के लिए देखिए मंडी खबर एक्सपर्ट्स के साथ सोमवार से शनिवार शाम 5:00। देखिए मंडी खबर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6:00 से 7:00 तक। पीढ़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। Today on this special episode of The Journey, ye jo base maanye pradhanmantri bana rahe hain, you are born to make a difference. Your program says it's a journey, is the startup India. Do not go abroad. 10 more years, 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian parliamentarians in conversation with China NC. खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में सोमवार से शुक्रवार शाम 4:00। बदलते भारत की शान।